सारे भैया ना भाई, मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भाई मैं अभी आया हूँ कैथल, कैथल की हनुमान वाटिका। पीछे एक यो लिख रखा है क्योंकि हनुमान मंदिर क्या गए भजन चल रहे थे वहाँ पे। वैसे भीड़ बहुत है, वहाँ पर गया इसलिए नहीं क्योंकि अगर मैं भजन मेरे मोबाइल मान दे तो कॉपीराइट लग जाता। भाई चैनल सबसे प्यारा, बाकी हनुमान की जय। भाई तो उसके पीछे यहाँ पे उस म्यूज़िक की आवाज़ नहीं आ रही। यहाँ पे मेरे बहुत सारे भाई, मेरी छोटी बहन और फैमिली है यहाँ पे घूम रही है। उनसे हम पूछेंगे कि यहाँ के MLA सुरजेवाला जी, तो उन्होंने क्या कुछ काम कराया है, क्या कुछ नहीं कराया। अगर मेरी पर्सनल राय उनके बारे में है तो ये है कि वो एक जेन्युइन आदमी हैं, बड़े पर्सनैलिटी वाले हैं और बड़े एजुकेटेड हैं और बड़े संभल के और धैर्य से बोलते हैं और सेंटर लेवल पे वो ज़्यादातर रहते हैं। मतलब हर चीज़ में सुपर हैं। अब जनता को ये उनकी सुपीरियरिटी पसंद है कि नहीं है पता नहीं भाई, पूछ लेते हैं जनता से यहाँ पे। भाई जी राम राम। राम राम जी। और जी कैसे हो जी? बिल बहुत बढ़िया। कैथल से ही हो जी? यहाँ के MLA साहब कैसे हैं जी? MLA साहब अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके कार्यकाल में काम अच्छे हुए थे जी। अब अपोजिशन में है, अब सरकार दूसरी है तो कार्य तो फिर इनके, जो चाहे वो हारे हुए कैंडिडेट हैं वैसे उनके थ्रू ही होते हैं। अब विकास हारे हुए कैंडिडेट कैसे, जैसे जो भी पार्टी के हैं BJP के जी, उनके माध्यम से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। ओके। हाँ तो अभी कमी किसके, रणदीप जी की है या BJP श्रेणी है? अब ये तो हर पार्टी में होता है, ये BJP के नहीं होता। अच्छा, कॉमन सी कॉमन है, ये पॉलिटिक्स सब करते हैं। ओके। तो इस राज्य में इन 5 सालों में रणदीप जी सुरजेवाला, हाँ, तो उन्होंने कुछ काम करवाए हैं कि नहीं करवाए? दोबारा फिर वही बात घूम फिर के आती है। नहीं, वो अपनी जगह सही है, वो काम जो उनके लेवल के हैं वो करवाते हैं, जनता के बीच के टच भी में भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो काम करवाते हैं। मिलनसार हैं, हंसमुख भी हैं, थोड़े से हंसे बाकी थोड़े से घने नहीं हंसते, अच्छे एडवोकेट भी हैं। नहीं बिल्कुल हैं, है ना जी। ओके। क्योंकि उनके लोग उनके समय का जो कार्यकाल है उनकी सरकार का, लोग उसको याद करते हैं, सच्चाई है। ओके, इनडायरेक्टली बात समझो भाई। बाकी कई बार मैं रणदीप जी के बारे में सुनता हूँ ना, तो ये कहते हैं जब वो कहीं पर कोर्ट में, जब वो कहीं किसी केस को लड़ते हैं ना, बड़े बड़े वकील उनकी उस चीज़ को देखने जाते हैं, गट्स को। तो बड़े अच्छे वकील भी हैं भाई। एक भाई खड़े हैं। भाई जी राम राम। राम राम। और जी कैसे हो? बहुत बढ़िया। कैसे व्यक्ति हैं जी रणदीप जी? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं रणदीप। बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत अच्छे हैं जी। तो क्या लगा है आपकी बार, उन्होंने कुछ काम करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं? बिल्कुल करवाए हैं जी। करवाए हैं, सड़कों का निर्माण है, गलियों का निर्माण है, लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। अच्छा जी, बिल्कुल। तो अब की बार उनको मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी, पक्की बात है, पक्की बात है। और भाजपा, इनेलो, जजपा, ये कहाँ पर जाएंगी पार्टियाँ? भाजपा, इनेलो, जजपा, इनेलो जजपा का कोई वजूद नहीं है, लेकिन मतलब भाजपा टक्कर देगी, कैंडिडेट पर डिपेंड करेगा, कैंडिडेट कौन सा उतारेगी भाजपा। ओके ओके, ये भाई सोचने वाले विषय। भाई राम राम। और जी कैसे हो? बढ़िया सर। आप तो सरकारी कर्मचारी हो? यस। आप तो कुछ बोलोगे नहीं? नहीं। अच्छा चलो, हम इनडायरेक्टली एक बात पूछ लेते हैं, इन 5 सालों में हमारे कैथल में कुछ काम हुआ है अच्छे से लेवल पे? बस काम सो जो पहले सरकार की रणदीप की उसने काम हुआ, लेकिन 5 सालों में कुछ काम नहीं हुआ इतना। इन 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ। तो क्या लगा अब की बार भाजपा आ जाओगी यहाँ पे? भाजपा ने बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे भर्ती निकाली है, ईमानदारी से पूरी भर्ती की है, इनका और काम पूरी ईमानदारी है सरकार में। इसने सर भाजपा 70 सीट शायद क्रॉस कर लेगी अब की बार। ओके, तो 70 में रुत कैथल बचेगा कि जाओगा? वो तो कैंडिडेट पे बात है, कौन आएगा। ठीक बात है। तो भाई ये 5-4 भाई गणे हैं, आम जनता क्या हाल है भाई? ठीक है भाई, बड़ा माथ मार का छोरा बैठा तो है। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ा करा? 10th में। 10th में? इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम में। पक्की बात है? अच्छा, तो MLA साहब कौन है आप जाने? MLA नायब सिंह सैनी। वाह भाई, को इसी बात पे पुरस्कार दिया जाए, यहाँ के MLA नायब सिंह सैनी, है ना जी। बात ही खत्म हो गया, आगे के पूछूंगा मैं। राम राम भाई जी। और जी कैसे हो? बढ़िया भाई। भाई साहब के कुछ लगा है यहाँ के हमारे MLA साहब कैसे? MLA साहब ठीक हैं, लेकिन सरकार में नहीं है तो कुछ कर भी नहीं सकते। जो सरकार में अपना इस टाइम तो अपना कैथल से तो वही कह सकते हैं, अपना कुरुक्षेत्र से जो अपना नायब सैनी जी हैं, जो अपने MP बन के आए हैं, उन्हीं से उम्मीद करेंगे तब तक MLA के इलेक्शन नहीं होते। क्यों? जो सरकार में नहीं उसका तो क्या उम्मीद करेंगे। सुरजेवाला वैसे तो बंदे अच्छे हैं, इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे हैं,
कुछ उम्मीद नहीं कर सकते उससे फिलहाल तो। ओके जी, देखो मैंने एक बात और सुनी है रणदीप जी के बारे में, कहते हैं वो कोई बदले की भावना से कोई काम नहीं करते। अब इस बात में तो के मैं लोगों से पूछूंगा के लोग जवाब भी को नहीं दे। अब और कौन भाई है जो जवाब दे इसका यहाँ पे? हाँ जी, अच्छा मैं बुजुर्ग बैठे हैं उधर, मैं थोड़ा सा योगा कर रहे थे, मैं सोचूं डिस्टर्ब ना करूं। चलो एक यहाँ पे और खड़े हैं, कौन सा? हाँ जी सर जी, विचार ले लूँ आपके? अच्छा चलो ठीक है जी। तो भाई वैसे तो फैमिलियर पार्क है, बड़ा अच्छा है। चलो एक बाबू जी हम उनसे पूछ लें। राम राम जी, कैसे हो सर? ठीक है सर, बिल्कुल। अच्छा यहाँ के MLA सब कैसे हैं? यहाँ के MLA रणदीप जी, जी ठीक है, बहुत बड़े कत्थर को चमकाया उन्होंने। कत्थर को चमकाया, हाँ। इन 5 सालों में चमका पाए हैं कि नहीं चमका पाए? वो तो सरकार नहीं थी, फिर भी उन्होंने बहुत मेहनत करी है। बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की है। तो उनका कद कोई कम तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, कम ये तो चलती रहती राजनीति। अच्छा एक बात बताइए, अभी जींद से इलेक्शन लड़ा था रणदीप जी ने, रह गए, खैर जीत हार होती रहती, उस बात का कोई साइड इफेक्ट यहाँ पर? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई नहीं है, कोई नेगेटिव इमेज नहीं है। ऐसा तो हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन मेरी अपनी सोच में तो कोई ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं। तो अब की बार उनको चांस मिल रहा है? शायद पब्लिक के हाथ में। आपके हाथ में क्या, आप देना चाहते हो कि नहीं? तो अपनी अपनी इच्छा है, टाइम बताएगा। तो अभी आपने सोचा नहीं कि उनको चांस दें? चांस मैं तो दूंगा। आप दूंगे? हाँ जी। ओके धन्यवाद जी। तो जी और कहाँ चलें? चलो हमारे कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं, अगर कोई राय दे सकते हैं तो, क्योंकि अच्छा जी। राम राम जी, छोटी सी राय ले लूं जी आपकी? वाह जी वाह, धन्यवाद जी धन्यवाद। अच्छा जी, राम राम जी। राम राम और जी कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया। आप सर यहाँ के MLA हैं अपने सुरजेवाला जी? हाँ जी। कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, काम कुम कुछ किए हैं कि नहीं किया उन्होंने? भाई काम तो उन्होंने बहुत किया। अच्छा जी, यूँ ही कहते हैं शहर में भाई, बहुत काम किया। अच्छा जी, हाँ। लेकिन जो है काम किए वो सारे ठप पड़े हैं, सारे सिवरेज ब्लॉक पड़े, सारी नालियाँ ब्लॉक पड़ी, सारी टूटी पड़ी, जाके देख लो। बाकी काम बहुत करे करे, काम तो करे हैं, लेकिन वो बता दो वो कामयाब तो नहीं हुए, उन्हें भी करे हैं ठगी हुई है तो सारी, वो तो पैसा कमाया गया है। काम हो या मेरा सफर चले नहीं, चलने रहे, अब भी नहीं चल रहा। सारे ब्लॉक पड़े, सारे टूटे पड़े हैं सीवरेज, सारे ढक्कन टूट रहे हैं। चलो मैं दिखाओ, अभी दिखा दें आपने। लोड पे नालियां बनाई है, ये बन रही है, किसी के अंदर भी पानी आज तक नहीं चला, सारी जहाँ सड़क आ गई वहाँ छोड़ दी, वो मट्टी भरी पड़ी है सारी। ये देखो आप ही सामने है, पानी भी बंद है, सीवरेज भी बंद है, कुछ नहीं चल रहा भाई, सारा सोधन सब पीछे खाई गई, इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, पैसे खाए गए। अच्छा जो जींद का इलेक्शन हुआ था उसमें अनफॉर्चुनेटली हार गए थे हमारे MLA साहब, उसका कोई साइड इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत गहरा पड़ेगा। एक भी नहीं बनता, इबका नहीं बनता भाई, इबका नहीं बन सकता भाई, किसी भी कीमत पे नहीं बनता इबका, तो आ रहा भाई पत्ता साफ है। अगर हम सड़के नालियां ना छोड़ दें, सीवरेज ना छोड़ दें, बस इसे कारण रान लग रहे हैं, या और कोई कारण है? ना यू क्यों कारण है, कई कारण है, कई कारण है। हाँ जी अब लोग कारण सुन लें भाई। हाँ जी बताओ जी। कारण इतने गहरे हैं इसके, गहरे बहुत से ज्यादा। और जो बड़ा सुरजेवाला था नहीं, उसका शुरुआत कर आज तक 90 साल का हो भी, ठीक है ना बात है, इतने गहरी साजिश करता युवा आदमी नहीं, इस तरह ऊपर को दुनिया। बस बस कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, सही है, सोलह ने बता दी ना, सोलह ने सारी बात आली भाई, सचिव सारे जितने। रुको जी रुको 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 जी। हाँ जी हाँ जी, काम तो बहुत करे हैं जी, मतलब कितने कुछ कितने कितने कुछ कहे जाओ, जितने प्रभात जाए नर फलानी बन दिया, सोराला बन दिया, किसी ने आज तक करया नहीं है, बाकी काम का क्रेडिट नहीं होता, बाकी तो जितना जितना पीछे उसने करया है नहीं, इन्हें का को नहीं होया, मैं लो ये थी है, ये सड़क जो ये बनाई है ये सही थी, जड़ा खराब थी उड़े कहते नहीं बनाते, पीछे कौन नहीं खाता, ये कौन नहीं खाते के पीछे, सारे सारे पीछे खावा, ये तो यानी कहने की बात है किसने। तीन चार बार बन के नहीं बदलाव है, चाहे सारा कुछ करके कोई बेकार आगा, सही है, चार बार कौन बना यार, कोई भी नहीं बनता। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, सब ठेकेदार निर्वाणे के थे जिन्हें काम हो, सारे निर्वाणे के थे,
अच्छा लोगों को ठेकेदार था ही नहीं ऐसा है जी। देखो ये तो काम तो है नहीं हमेशा मंत्री संतरी के उन्हें न मिले है कोई आम आदमी ने तो काम मिलता नहीं है। लाभ कदे पहले मिले ना आगे मिलता मतलब नहीं। ये तो सिर्फ कहने की बात है भाई। बाकी वो आगे उसके मतलब बढ़ने के बहुत कम चांस है। लोगों का ये तो है अब जो ट्रेंड चल रहा है मतलब वो विपरीत जा रहा है वो अपना अलग। ओके खुद का एक सोशल मीडिया जी जगदीप शर्मा के नाम से चैनल। अच्छा अच्छा मैं रामनाथ शर्मा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है तो जी हाँ जी आपका कुछ ठीक है भाई तो शर्मा जी ने कह लिया सारा सही कह सारा सोगा जोड़ा लिया सारा मतलब और क्या क्या बुंडा नहीं होना चाहते। ना 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 अब की बार बनता कौन नहीं भाई खड़ा भी नहीं हो ये तो नुन्ना पंचकूला का जगह देख रहे बेचारा ले भाई थोड़ा और आगा जा कई बार इशारा कर लिया। राम राम जी आपका क्या कुछ कहना है जी। मैं तो इसी इलाके का नहीं हूँ जी मैं रहने वाला हूँ। अच्छा हिसार से हुआ ओके। हाँ जी बाबूजी राम राम जी। राम राम। सारे युवा आपका इशारा कर रहे थे आप कि मैं सुना दो फिर के सुना मतलब क्या कुछ कहना है यहाँ के एमएलए सब के बारे में। सब ठीक है अपना के एमएलए कुछ नहीं ना देंदा कोई खाना कमाया खाना ना उन्होंने कि मैं काम कराया काम करें अपने लिए प्रसार देश कराया अपने लिए कर दूसरे लिए कौन कराया कोई नहीं करता किसी के लिए कतल कतल कुछ नहीं करा करना क्या सारा देश नहीं करा अपने पार्टी के लिए सारा देश करा है बता पार्टी के लिए कौन करा है। देखो काम अच्छे किए हैं जी लेकिन हम उनको बरकरारी वर्तमान समय में अगर देखते हैं तो दूसरी सरकार है। काम तो बढ़िया किए हैं। नक्शा बदला शहर का आज नक्शा जो हमारा कैथल का बना वो इस पुरानी सरकार का भी और इस सरकार का दोनों का योगदान है। अच्छा काम किया रणदीप जी ने भी और ये सरकार भी अच्छे काम कर रही है। न काउ से दोस्ती न काउ से बैर ऐसा बयान दे दिया आपने बिल्कुल। कर्ण के सो भरण के तू क्यों भयो दास वाह जी वाह बोल दो अंकल जी एक एक बारी और एक कबीरा तेरी झोपड़ी हाँ जी गलकटियन के पास जी कर्ण के सो भरण के तुम क्यों भयो दास वाह जी वाह। शाम का टाइम है सत्संग का प्रवचन शुरू हो गया भाई। अच्छा बाजी राम 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 और जी कैसे हैं जी बढ़िया जी क्या कुछ कहना जी यहाँ के एमएलए को लेकर। एमएलए ने काम सब बहुत बढ़िया करे हैं जी लेकिन बीजेपी ने रोजगार इतने देख दिए कि काम ये सारे इनके ढके गए और इनका मुकाबला में कोई है को नहीं आज तक जबकि कांग्रेस सरकार है रोजगार बहुत बढ़िया दिए बीजेपी ने तो रोजगार बहुत सही दे दिए इसी करके ये काम कुम सारे खत्म हो गए कांग्रेस के और ना एकजुटता इनमें कांग्रेस में। हाँ जी ये मुख्य कारण बिल्कुल जी सारे मुख्यमंत्री बने अंडे। हाँ जी फिर सारे हार गए जी देख लियो सारे जाऊँ थे राहुल जी के पास ने कहा हमने मुख्यमंत्री के दावेदार बनाओ हमने बनाओ लेकिन पहले एमपी में देख लिए भाई कोई नहीं काबिले को नहीं मैं तो कोई भी इसीलिए नहीं। हाँ जी भाई जी ऐसे कोई कमेंट नहीं ऐसे सुरजेवाला ने काम क्यों नहीं करे विद्यार पुल का जीर्णोद्धार देख लो रोड चौड़े इन 5 सालों में हुए हैं इन 5 सालों में जब पावर ही नहीं है क्योंकि इन 5 सालों की बात है। देखो जब किसी के पिछले 5 साल पे वो बन गए इन 5 सालों पे आगे बढ़ नहीं अगर किसी के पास पावर ही नहीं है तो वो काम क्या कर देगा। अगर मांड होते हैं वही डाइवर्ट कर सकते हैं उससे ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते। और जहाँ तक बात है पिछले 5 सालों में कितने काम किए दिए तो एक सेंसस सा बन गया लोगों माहौल बन गया कि नहीं आएगी नहीं आएगी कि विपक्ष होना चाहिए हर होता है और लोग देंगे वोट ऐसी बात है क्यों नहीं देंगे जिन्होंने देने हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से मतलब संबंधित है या समर्थित है वो वोट डालेंगे अंदर अंदर क्यों नहीं डालेंगे। विपक्ष होना चाहिए नहीं होना चाहिए जनता के हाथ में है ये अब अपने अगर आप ऐसे ही मतलब किसी भी विचार को लेकर के भाई ये बन रही है बन रही है बन रही है भेड़ चाल से लोग चलेंगे तो फिर तो बनना मुश्किल ही है। लेकिन लोग अगर सच्चे दिल से मतलब सोच समझ के विचार से वोट देंगे भाई किसको वोट देने चाहिए तो जरूर बनेंगे मतलब लोगों का विचार होगा तो आएगी कांग्रेस क्यों नहीं आएगी। ओके हाँ जी तो जी अब यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हो गए सबसे बात कर ली कोई रह गया क्या भाई। अच्छा तो जी यहाँ के तो हो गए भाई विचार ले लिए अब अंधेरा भी होगा कैथल में और तो कित जावा प्रोग्राम तो था गए नरवाणा उचाणा का भी कलात का भी चलो कल देखते हैं।
तब तक के लिए ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर दियो भाई, कि मैं गाली गुली तो लिखी हो ना, अपना तो सारी भैन बेटी वीडियो देखे हैं, और भाई गाली भी वो ही लिखेगा जिनका है नहीं, बाकी समझदार थम खुद हो। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, भारत माता की जय।